भाई इसमें तुम्हें एम की वैल्यू बतानी है क्या होगी, तो तुमने है हजार कहां से देख रहे हैं हजार, ऐसे अगर हजार अरे देखो ये पांच है, पांच प्लस का है तो तुम्हें सीधी सी बात पता है पांच उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम लिखो m का स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ये लिखो 333 स्क्वायर प्लस 444 स्क्वायर, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर। इन तीनों को अगर देखोगे, अगर जैसे ये है 333 को देखो तो 333 जो है वो कब आ सकता है, 33 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 33 जो है वो 333 से ही मल्टीप्लाई है दो बार। अगर तुम इसमें से 111 इंटू 111 और इससे अगर तुम मल्टीप्लाई कर दो 3 की और 3 की, तो आंसर तो यही आएगा ऊपर वाला, क्योंकि इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, वही सीधी सी बात है। तो अगर इसमें से अगर तुम कॉमन निकाल लो 111 का स्क्वायर, अगर तुम कॉमन निकाल लो सब में से, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यही तो बचेगा। अब अगर तुम यहां पे थोड़ा सा और आगे थोड़ा नोटिस करो, क्योंकि ये क्या है 111 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, यही तो है जिसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 333 का स्क्वायर, इसको हमने ये लिख दिया, इस 444 को ये लिख दिया, 555 को हमने ये लिख दिया। अब करना कुछ भी नहीं है, 3 का स्क्वायर होता है क्या 9, 9 में 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 और 9 को प्लस करने पे क्या आता है 25, में 25 को माइनस करने पे क्या आता है जीरो, किसी भी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है जीरो, जो हो तुम, तो आंसर क्या आएगा इसका जीरो।